कोरोना के चलते लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से सभी धार्मिक अनुष्ठान भी बंद है। ऐसे में पुजारियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोटा में कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष राखी गौतम ने समाज की मदद करने का जिम्मा उठाया, जिसके तहत राखी गौतम ने आरकेपुरम में करीब 500 ब्राह्मणों की मदद की, तो वहीं 1000 से अधिक पंडितों को राहत सामग्री दी गई। साथ ही उन्हें सैनिटाइजर मास्क भी दिए गए और उनका मुंह भी मीठा करवाया गया, साथ ही दक्षिणा देकर सभी को विदा किया। तो वहीं पंडितों ने भी कोरोना की इस घड़ी में शहर सहित पूरे देश को कोरोना से बचाने की प्रार्थना की। लॉकडाउन काल के बाद में लगातार मंदिरों और परंपरागत भागने वाले सभी पंडित और विद्वान सभी लोगों के आश्रय थे, उन सभी पर इस तरह से पानी सब हो गया। आदमी को और जो धर्म कर्म के लोगों को भी आजीविका चलाते थे, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा समय आ गया। जो धर्म कर्म के लोगों को जोड़ते थे, उन लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में कोटा दक्षिण से राखी गौतम इनके एसओ और लगातार इन लोगों को राहत सामग्री पहुँचाने का कार्य किया गया। सामने की तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर राशन सामग्री के किट बनाए गए हैं और उन किटों के जरिए इन सभी लोगों को राहत सामग्री यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। हमारे साथ है राखी गौतम। राखी गौतम जी से सीधी बात करेंगे। राखी जी, किस तरह का ये आयोजन है और किस तरह से आपके दिमाग में ये चीज आ रही है, किस तरह से इसको जानेंगे? सबसे ज्यादा जरूरत जो आज है, हम सब इस महामारी से लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ब्राह्मण बेटी हूँ और ब्राह्मण घर की बहू हूँ, तो मैं सबसे ज्यादा अच्छी तरह से इस घटना से भलीभांति परिचित हूँ कि एक ब्राह्मण आदमी जो सिर्फ ठाकुर जी की टोकरी हिला करके घर कैसे चलाता है, उसकी परिस्थिति कैसी होती है, इस परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मैं भी एक मध्यम परिवार की बेटी हूँ, मुझे पता है कि आज इस परिस्थितियों में उनका घर खर्च कैसे चल रहा होगा और सबसे चंद्रमा दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज एवं कोटा।